नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सरसाइज 3.4. इफ वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एम साइन इनवर्स एक्स, देन प्रूव दैट वाई एन प्लस टू जीरो इज इक्वल टू एन स्केयर माइनस एम स्केयर इंटू वाई एन जीरो. हैंस इवेलुएट वाई एन जीरो एंड एक्सपेंड वाई इन पावर्स ऑफ एक्स. तो देखिए सॉल्यूशन, वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एम साइन इनवर्स एक्स, इसका करते हैं डिफरेंशिएशन. तो हमारे पास आएगा वाई वन, कॉस का होता है माइनस में साइन, एम साइन इनवर्स एक्स इंटू में एम साइन इनवर्स एक्स करेंगे तो ये एम, और इसका होगा वन बाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्केयर. अब इसमें हम करते हैं स्केयरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग. तो ये y1 स्केयर हो गया, इसको इस ले आएंगे तो 1 माइनस एक्स का स्केयर इज इक्वल टू ये m स्केयर और ये साइन स्केयर m साइन इनवर्स x. इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस स्केयर और कोस स्केयर को लिखेंगे हम ये y स्केयर. तो ये इतना आ गया हमारे पास. अब फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं. तो y1 स्केयर एज इट इज इसका हो जाएगा माइनस में 2x, प्लस में ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव आएगा 2y1 y2, इसका m स्केयर कांस्टेंट इसका हो जाएगा माइनस में 2y और y का y1. अब पूरे में से 2y1 कैंसिल हो रहा है तो यहां बचेगा माइनस में x y1, यहाँ बचेगा प्लस में वन माइनस एक्स स्केयर और वाई टू इज इक्वल टू टू कैंसिल. तो ये माइनस का बच गया एम स्केयर और ये वाई, दैट इज इसको लिख सकते हैं हम वन माइनस एक्स स्केयर वाई टू माइनस में एक्स वाई वन और बराबर में माइनस एम स्केयर वाई. अब देखिए हमें निकालना है वाई एन प्लस टू एट जीरो, तो हमें इसका एन टाइम डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा. तो डिफरेंशिएटिंग, सपोज ये वन था, इसको टू मान लेते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एन टाइम्स. तो इसमें फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा वाई टू को, तो इसका बन जाएगा वाई एन प्लस टू. ये एज इज रखेंगे, प्लस में आएगा एन ई वन और वाई टू का डेरिवेटिव करेंगे हम एन माइनस वन टाइम्स, तो वो बन जाएगा वाई एन प्लस वन और 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे एक बार तो होगा माइनस में 2x. फिर आएगा एन सी टू, इस y2 का डेरिवेटिव करेंगे हम n माइनस टू टाइम्स तो वो yn बनेगा और इसका दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए इसका एक बार कर दिया एक बार और कर दो तो माइनस टू. आगे कोई टर्म नहीं आएगी क्योंकि आगे डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो हो जाएगा. अब इसको देखो माइनस एक्स वाई वन को, तो माइनस में हमने ये बाहर लिख दिया चाहे तो वाई वन का डेरिवेटिव वाई एन प्लस वन हो गया और ये x एज इट इज़ प्लस में एन सी वन. अब वाई वन का डेरिवेटिव करेंगे एन माइनस वन टाइम्स तो वो वाई एन और इस एक्स का एक बार करेंगे तो वो वन. आगे कोई टर्म नहीं आएगी क्योंकि वन का डेरिवेटिव आगे जीरो हो जाता है. बराबर में माइनस एम स्केयर वाई का डेरिवेटिव वाई एन आ गया. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वन माइनस में एक्स स्केयर वाई एन प्लस टू ये टर्म. उसके बाद देखिए वाई एन प्लस वन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इनको इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पर तो बस यही माइनस टू ये n और ये x, माइनस टू n x, x भी कॉमन ले लेंगे ये भी कॉमन ले लेंगे माइनस भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा वन, इतना आ गया. अब जो वाई एन है ये यहाँ पर है और एक यहाँ पर, इनको इकट्ठा कर लेंगे राइट साइड में ले जाते हैं. ये देखिए एन सी टू की वैल्यू क्या बनेगी, n इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल, बराबर में ले जाकर लिख देते हैं. माइनस तो है ही प्लस का हो जाएगा टू, ये n n माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल, वाई एन कॉमन ले लेंगे. इसमें देखिए माइनस का n है उधर जाके प्लस का n हो जाएगा और ये माइनस का एम स्केयर है ही ऑलरेडी, ये हमने वाई एन कॉमन लिख दिया यहाँ पे. तो लेफ्ट साइड तो ऐसे कैसे रहेगी, अब ये क्या बन गया टू से टू कैंसिल, ये एन स्केयर माइनस एन प्लस एन कैंसिल माइनस का एम स्केयर वाई एन.
तो इतना आ गया। अब हमें इसमें क्या रखना है, x को जीरो रखना है ताकि ये जीरो बना सके यहाँ पे। टेकिंग x इक्वल टू जीरो इसमें भी रखना है, और इससे पहले जितने भी हमारे पास डेरिवेटिव्स आए उन सभी में रखना है। वी हैव, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ से बनेगा y जीरो, तो y जीरो बन रहा है, देखिए साइन इनवर्स जीरो जीरो कोस जीरो वन, तो ये बना गया। फिर y वन जीरो, नेक्स्ट में इसमें जीरो करेंगे तो देखिए ये जीरो साइन जीरो जीरो, ये वन है तो ये जीरो बच गया। फिर y टू जीरो, y टू कहाँ पर मिलेगा आपको, ये y टू है, इसमें जीरो करो ये वन हो गया, ये जीरो हो गया, ये एम स्केयर बच गया माइनस में, तो ये बच गया आपके पास माइनस का एम स्केयर और y एट जीरो, और y एट जीरो की वैल्यू है वन, तो ये माइनस एम स्केयर ही आ गया। उसके बाद डायरेक्ट हमारे पास ये एन प्लस टू में आएगा, तो इसमें रखेंगे तो क्या बनेगा, ये वन हो गया, वाई एन प्लस टू एट जीरो इज इक्वल टू ये जीरो बराबर में एन स्केयर माइनस में एम स्केयर और वाई एन जीरो। तो देखिए इससे हमारे पास ये चीज़ तो प्रूव हो गई, विच प्रूव्स द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसके बाद हमने आगे करना है वाई एन जीरो भी निकालना है, वाई एन जीरो निकालने के लिए हमें इसमें एन की वैल्यू रखनी पड़ेगी, जैसे टू तो आ गया, थ्री बनाने के लिए वन रखना पड़ेगा, टू रखना पड़ेगा, तो पुटिंग एन इक्वल टू वन टू थ्री एंड सो ऑन इन फोर। तो देखिए वाई थ्री जीरो बन जाएगा वन रखने से, यहाँ पर वन रखेंगे तो वन स्केयर माइनस एम स्केयर और y10। अब देखिए y10 की वैल्यू हमारे पास 0 है, उसके बाद y40 कब आएगा, जब हम 2 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 रख दो और ये y20। अब y20 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस एम स्केयर, तो ये माइनस एम स्केयर और ये 2 स्केयर माइनस में एम स्केयर। उसके बाद 5 कब आएगा, जब हम 3 रखेंगे, तो यहाँ पर 3 रख दो, थ्री स्केयर माइनस एम स्केयर वाई थ्री जीरो, और वाई थ्री जीरो की वैल्यू क्या है हमारे पास, जीरो। उसके बाद वाई सिक्स जीरो कब आएगा, जब हम फोर रखेंगे, तो यहाँ पर फोर रख दो, और वाई फोर जीरो की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस एम स्केयर टू स्केयर माइनस एम स्केयर फोर स्केयर माइनस में एम स्केयर। अगर हम यहाँ से जनरलाइज करें इस रिजल्ट को, तो वाई एन जीरो कितना बनता है, क्योंकि हमें वाई एन जीरो निकालना है ना। तो देखिए n की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है 3 है 5 है तो वैल्यू 0 आ रही है, यानी ओड वाले केस में क्या आया, 0 आ गई इफ n इज ओड। लेकिन इवन वाले केस में देखिए, ये देखिए 1 आया हुआ है, फिर 2 में माइनस एम स्केयर है, फिर 4 में माइनस एम स्केयर के साथ ये भी है, 6 में इनके साथ ये भी आया हुआ है, तो इसका मतलब माइनस एम स्केयर तो आएगा सभी में, फिर ये नेक्स्ट फैक्टर भी आएगा, फिर ये आएगा, और ये कहाँ तक प्रोडक्ट करेंगे, देखिए 6 है तो ये 4 है, 4 है तो ये 2 है, तो n है तो n माइनस 2 आएगा। तो ये y n 0 की वैल्यू बन गई जनरल फॉर्म में। अब हमें एक्सपेंड करना है y को इन पावर्स ऑफ x, दैट इज अबाउट 0, तो मैं क्लियर इन थ्योरम लगेगी। नाउ यूजिंग मैक्लॉरिन्स थ्योरम y इज इक्वल टू, सबसे पहले आता है y एट 0 प्लस में x y 1 0 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल y 2 0 x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल y 3 0 एंड सो ऑन। इसमें सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं इसको, तो y इज इक्वल टू y 0 की वैल्यू हमारे पास है 1, उसके बाद है x y 1 0, y 1 0 हमारे पास 0 है, फिर ये y 2 0 हमारे पास है माइनस एम स्केयर और ये x स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल। उसके बाद है y30, वो हमारे पास 0 है, y40 नेक्स्ट आएगा, तो वो आपके पास ये लिखेंगे माइनस एम स्केयर टू स्केयर माइनस एम स्केयर x रेज टू पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। उसके बाद जो y50 है वो फिर 0 है, y60 वाले टर्म लिखेंगे हम, यानी कि माइनस में एम स्केयर टू स्केयर माइनस एम स्केयर फोर स्केयर माइनस एम स्केयर
और x रेज टू पावर 5, x रेज टू पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये एक्सपेंशन बन जाएगी।